बिजनेस, वो भी घर बैठकर और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, चलिए देख लेते हैं कैसे पॉसिबल है। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anshu और एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हर तरह की जॉब, करियर, एजुकेशन और हर तरह की प्रोफेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ कुछ मोटिवेशनल वीडियोज भी। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आप चाहते हैं कि आपको भी फ्यूचर में कुछ इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहें हर तरह के करियर, बिजनेस, एजुकेशन के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो गाइस, आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 ऐसे बिजनेस जो आप घर बैठकर स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये बिजनेस मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, बट स्पेशली ये बिजनेस उन वुमेन के लिए है, उन हाउसवाइफ, उन फीमेल के लिए है जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो घर बैठकर ही कोई काम, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। गाइस, जो ये बिजनेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये वो ऐसे बिजनेस है जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये वाले बिजनेस बिल्कुल स्टडी से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये सारे बिजनेस जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये रिलेटेड है आपके टैलेंट से, आपकी स्किल्स से। जी हाँ, अगर आप में टैलेंट है, स्किल्स है, आर्ट है आप में, तो आप इनके बेस पर भी बिजनेस रन कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो क्या है, से है वो बिजनेस, ये जानने के लिए तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा और स्किप मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है एक आध पॉइंट ऐसा हो जो आपकी टैलेंट, आपकी स्किल्स से रिलेटेड हो और वो मिस हो जाए। सो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और स्टार्ट करती हूँ मैं आज का ऑप्शन नंबर 1। इससे आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये तो सुई और धागा है, सॉरी ये सुई और धागा है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही पहचान लिया है ना, मैं बात कर रही हूँ स्टिचिंग की। आप स्टिचिंग के जरिए भी अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती है, इस वजह से वो बाहर जॉब नहीं कर सकती। लेकिन अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टिचिंग के थ्रू पैसे कमा सकती हैं और अपना टैलेंट के थ्रू लोगों को बता सकती हैं कि आप भी कुछ कर सकती हैं। जी हाँ, ये काम आप अपने घर से शुरू कर सकती हैं। इस काम को करने के लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिलाई मशीन आपके घर में होगी ही, बस आपको उसी के थ्रू कुछ ऑर्डर्स लेने हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स तो नहीं मिलेंगे, बहुत कम ऑर्डर आपको मिलेंगे, लेकिन आप निराश मत होइएगा, जैसे जैसे आपका काम लोगों को पता चलेगा, जैसे जैसे लोगों को पता होगा कि आप स्टिचिंग करती हैं, बहुत अच्छा सिलती हैं, तो लोग वैसे वैसे आपको ऑर्डर्स देंगे, और जैसे जैसे आपकी कमाई होगी, जैसे जैसे आपकी अर्निंग होगी, वैसे वैसे ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। मतलब आप अपने घर में जो सिलाई मशीन के थ्रू बिजनेस कर रही हैं, बाद में एक दुकान खोल सकती हैं, एक बुटीक खोल सकती हैं, एक बड़ा सा, एक अच्छा सा बुटीक खोल सकती हैं जहां पर आप रेडीमेड कुर्तीज वगैरह भी रख सकती हैं। सो गाइस, स्टिचिंग में दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप खुद से सिलाई कर सकती हैं या फिर आप रेडीमेड कुर्तीज, साड़ीज, ड्रेसेस भी रख सकती हैं, तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बुटीक खोलना चाहती हैं जहां पर आप रेडीमेड ड्रेसेस रखना चाहती हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि अगर आपके घर में स्पेस है, आपका कोई ऐसा रूम है जो खाली पड़ा है, तो वहां पर आपको मेंटेनेंस की जरूरत है, वहां उस खाली कमरे को आपको एक दुकान की तरह, एक शॉप की तरह बनाना है जहां पर आप अपना मटेरियल रख सके। सो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, और ऑप्शन नंबर 2 है, बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है डब्बा। गाइस, ये डब्बा नहीं है, एक्चुअली ये है लंच बॉक्स। आपने पहचान लिया ना मैं क्या बात बताने वाली हूँ, मैं कौन सा ऑप्शन बताने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बताने वाली हूँ टिफिन बॉक्स, यानी के टिफिन सेंटर के बारे में। देखिए, अगर आपके हाथ में स्वाद है, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और यही बात आपको आपकी फैमिली बताती है, आपके रिलेटिव्स बताते हैं, जो भी आपके हाथ का खाना खाता है आपको कहता है कि वाह तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो आप इस खाने बनाने की कला को, इस स्वाद को लोगों में बांट सकती हैं, और इसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकती हैं, अपना पैसा भी कमा सकती हैं और नाम भी कमा सकती हैं। जी हाँ,
देखिए जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने घर छोड़कर बाहर रहते हैं, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनको अपनी माँ के हाथ का खाना जैसा खाना मिले, घर का खाना मिले, वो ढाबे रेस्टोरेंट का रोज़ खाना नहीं खा सकते। या फिर कुछ ऐसे लोग जो जॉब करते हैं कंपनीज में, तो ऐसे लोग अपना घर छोड़कर जो बाहर आते हैं उनको आवश्यकता रहती है, उनकी डिमांड रहती है कि उन्हें टिफ़िन जैसा घर का खाना मिले। तो अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आपके खाने में स्वाद के साथ साथ क्वालिटी भी है, तो आपका ये बिज़नेस ज़रूर तरक्की करता जाएगा। और जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा उसके बेस पर जब अर्निंग होगी तो आप एक रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की। और ऑप्शन नंबर थर्ड है कि कुछ लोग होते हैं जो फिट रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी फिट होते हैं और दूसरों को भी फिट रखते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं कि आपको फिट रहना पसंद है और आप चाहती हैं कि आप दूसरों को भी फिट करें, मतलब आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो आप अगर आपने इसका कोई कोर्स किया हुआ है, आपने 6 मंथ का या 1 ईयर का कोई कोर्स किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया हुआ है बट आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप फिटनेस योगा का कोर्स कर सकती है। ये 3 to 6 मंथ का कोर्स होता है एंड देन उसके बाद आप लोगों को भी सिखा सकती हैं। तो स्टार्टिंग में, बिगनिंग में आप अपनी कॉलोनी के, अपने आस पड़ोसियों के इसके बारे में जानकारी दें। आप फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपने अपने घर में एक फिटनेस सेंटर खोला है, योगा आप सिखाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप फिटनेस लोगों को भी दें तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अर्निंग का। ये रिंग तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना प्यारे, और देखिए ये रिंग भी कितनी सुंदर है ना। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ यहाँ ऑप्शन नंबर 4 की, और आपने पहचान लिया है, जी हाँ, ज्वेलरी। ज्वेलरी का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं अपने घर से ही। देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसको हम फैशन ज्वेलरी भी बोलते हैं, इसका जो ट्रेंड है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। वुमेन इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। और आप एक्सपेंसिव ज्वेलरी हर फंक्शन में नहीं पहन सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहां पर आप एक्सपेंसिव जो गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी है वो तो पहन नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो ये फैशन ज्वेलरी होती है ना, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप फीमेल हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये बात तो आपको भी पता होगी कि आपको फैशन ज्वेलरी कितनी ज्यादा पसंद है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप ये काम अपने स्टार्ट कर ले, मतलब इस काम को आप बिजनेस के तौर पर ले, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना गाइस। अब आप सोच रहे हो कि आपको ज्वेलरी तो बनानी आती नहीं है, तो फिर आप ये बिजनेस कैसे करेंगे। देखिए अगर आप में टैलेंट है, आप में स्किल है, आपकी जो आर्ट है ना वो बहुत अच्छी है, तो आप ज्वेलरी बनाना भी सीख सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ वीडियोस देखनी होगी यूट्यूब पर, बहुत सारी इंटरनेट पर आप वीडियोस देखिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकती हैं कि कैसे ब्रेसलेट बनता है, कैसे इयररिंग बन सकता है। इसके लिए आपको कोई खर्चने की जरूरत नहीं है, फ्री में आप वीडियोस देखकर ज्वेलरी बनाना सीख सकती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, और ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप 6 मंथ का कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकती हैं ज्वेलरी का। आपके शहर में आसपास में कोई ऐसा फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट हो जहां पर ज्वेलरी भी आपको बनानी सिखाई जाती हो, तो वहां पर आप 6 मंथ का कोर्स कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स नहीं होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप खुद ज्वेलरी बनाइए। देखिए इस काम में ना बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, क्योंकि ये आपके हाथ में है। देखिए आप मटेरियल लाएंगे होलसेल से, वहां पर आप इन ज्वेलरीज को बनाएंगे, लेकिन जब आप इन्हें बेचेंगे तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको कितने में बेचना चाहते हैं। तो ज्वेलरी में बहुत ज्यादा मार्जिन रहता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। और ये बिजनेस तो मतलब एक बार आपका चलना शुरू हो जाए ना तो खत्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि फैशन ज्वेलरी कभी खत्म नहीं होगी। फैशन जो ट्रेंड्स हैं, जो डिजाइन है, वो नए आएंगे, लेकिन ये जो फैशन ज्वेलरी का जो ये बिजनेस है ये कभी एंड नहीं होगा, ये हमेशा आगे ही बढ़ेगा। तो है ना बहुत अच्छा ऑप्शन। अब गाइस इसमें आप ना 2 ऑप्शन भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये होगा कि आप खुद से ये ज्वेलरी बनाएं और फिर इनको सेल करें। दूसरा इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप होलसेल मार्केट से, जहां पर बहुत ज्यादा ज्वेलरी रीजनेबल, मतलब अच्छे आराम से बहुत सस्ते प्राइस में ये ज्वेलरी मिल जाती है, तो आप वहाँ से इन ज्वेलरीज को परचेज कीजिए, खरीदिए और फिर आप अपनी शॉप पर इनको बेचिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 की, और ऑप्शन नंबर 5 पर मैंने यहाँ पर रखा है ट्रेनिंग प्रोवाइडर का। जी हाँ, ट्रेनिंग प्रोवाइडर आप बन सकते हैं। और ट्रेनिंग प्रोवाइडर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ट्यूशन ही दें स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को। ट्रेनिंग प्रोवाइडर में आप वो उस हर चीज की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हों,
जो स्किल्स, जो टैलेंट, जो खूबी आप में है वो हो सकता है दूसरों में ना हो, लेकिन दूसरों को ज़रूरत हो तो आप उसकी ट्रेनिंग दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छा गिटार बजा लेते हैं, आपने गिटार बजाने का कोर्स किया हुआ है, या फिर आपको सिंगिंग आती है, बहुत अच्छा आप गाते हैं, आपको डांस बहुत अच्छा आता है और आप चाहते हैं कि आपकी जो ये टैलेंट है वो आप दूसरों को भी प्रोवाइड कराएं, इसकी ट्रेनिंग आप दूसरों को भी दें, तो आप ये एज अ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, धीरे धीरे आपके आपकी जो ट्रेनिंग है इसके बारे में बहुत से लोगों को पता चलेगा, और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी वैसे आप एक अकेडमी खोल सकते हैं, एक बड़ा हॉल खरीद सकते हैं, एक रेंट पर आप अच्छी खासी कोई बिल्डिंग ले सकते हैं जहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड, एक सिंगिंग की या फिर डांसिंग की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकें। सो ट्रेनिंग प्रोवाइडर में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, सिंगिंग है, स्विमिंग है, गिटार है, डांस है, प्लस अगर आप ट्यूशन लेना चाहते हैं वो सब हैं। सो जो आप में टैलेंट है, आप चाहते हैं कि आप ये टैलेंट दूसरों को भी सिखाएं, तो उसमें आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर का ही काम कर सकते हैं और इसकी शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर क्लिक करें। सो अभी वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।